चैप्टर ए टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज निकालने के लिए राइट एंगल है उसकी नीड होगी हमें, तो ये होगी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और ए सी। बी है वो इसमें हमारे पास 90 डिग्री, सी और ए है वो हमारे पास होंगे एक्यूट एंगल। जब इसमें हम आइडेंटिटीज फाइंड आउट करेंगे तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास हाइपोटेनस स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर, ये होता है। जब हम इसमें आइडेंटिटी निकालेंगे तो इस टर्म को जिसको इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे और इसको डिवाइड कर देंगे हम ए सी स्क्वायर से। वी डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय ए सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे। ए सी स्क्वायर से जब करेंगे तो ए सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, वन आ जाएगा बी सी। जब हम एंगल ए है उसको अक्यूट मानते हैं तो हमारे पास इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और जिस पे ये एंगल बना है वो होगा हमारे पास बेस। तो बी सी यानी कि हमारे पास पी है वो अपॉन में बी, पी अपॉन में बी इसका स्क्वायर प्लस में ए बी। ए बी है वो हमारे पास बेस, सॉरी ए सी, ए सी है वो हमारे पास है हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा हमारे पास पी अपॉन में एच और बी अपॉन में एच इसका स्क्वायर। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर ये होता है हमारे पास साइन। ए एंगल लेके चलिए तो ये हो जाएगा ए और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए प्लस में बी। बेस अपॉन में हाइपोटेनस ये होता है हमारे पास कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई है, जब साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए आता है तो उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट मेथड करके और आइडेंटिटी फाइंड आउट करेंगे। जैसे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कोस स्क्वायर ए को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो होगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी। जब हम यहाँ से कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट करेंगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। तो ये होगी हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी, यानी कि एक आइडेंटिटी से ही हमारे पास दो और आइडेंटिटी आ गई है। जब भी हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए यानी कि जहां पर ये एंगल है वो सेम आ जाए और स्क्वायर होगा तो उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1। साइन स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए या फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आएगा वहां हम पुट करते हैं साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हमारे पास कोस स्क्वायर ए। ये हमारे पास तीन आइडेंटिटी हो गई है साइन और कोस की। सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास अब निकालेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास हाइपोटेनस इक्वल टू सम ऑफ बेस प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडिंग बाय ए बी स्क्वायर। जब हम इक्वेशन फर्स्ट को ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ए सी स्क्वायर प्लस में सॉरी अपॉन में ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा हमारे पास ए सी स्क्वायर
अपॉन में ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर प्लस में वन. ए सी इज द हाइपोटेनस एंड ए बी इज द हमारे पास क्या है, जब ए एंगल लेके चलते हैं एच है वो ए सी हाइपोटेनस है, ए बी है वो हमारे पास बेस, यानी कि एच अपॉन में बेस इसका हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर इक्वल टू बी सी, बी सी इज द परपेंडिकुलर अपॉन में ए बी इज बेस इसका स्क्वायर प्लस में वन. हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है हमारे पास सेक स्क्वायर ए. सेक स्क्वायर ए, सेक ए की वैल्यू जब ए को अक्यूट एंगल मानते हैं तो होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस. परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ये आ जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर ए प्लस में वन. तो ये हमारे पास सीकेंट और टेन की प्रॉपर्टी आ गई है. जब सीकेंट स्क्वायर ए है उसकी जगह हम पुट कर सकते हैं टेन स्क्वायर ए प्लस वन. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको फिर से इसमें से आइडेंटिटी बनाएंगे. सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन. ये हमारे पास sec और tan की सेकंड प्रॉपर्टी आ गई है. जब हम secant square a माइनस tan square a है उसकी जगह हम पुट कर सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू वन. अब यहाँ से हम इसी प्रॉपर्टी से एक और भी प्रॉपर्टी निकालेंगे या आइडेंटिटी निकालेंगे. tan square a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वन को इस साइड लेके आएंगे तो आएगा sec square a माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर ए. तो ये हमारे पास sec और tan की है तीन आइडेंटिटी आ गई है. secant स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्लस वन. इस एक आइडेंटिटी से हम दो और निकालेंगे. sec स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए जहां भी आएगा वहां वैल्यू पुट करेंगे हमें वन. sec स्क्वायर ए माइनस में वन ये जहां भी आ जाएगा वहां डायरेक्ट पुट कर सकते हैं हम टेन स्क्वायर ए. थर्ड आइडेंटिटी निकालेंगे हम. थर्ड आइडेंटिटी निकालने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे. इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडिंग बाय बी सी स्क्वायर. बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ए सी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर. ए सी, ए सी इज द हाइपोटेनस, बी सी, बी सी इज परपेंडिकुलर, तो एच अपॉन में पी इसका स्क्वायर इक्वल टू बी सी से बी सी कैंसिल वन प्लस में ए बी, ए बी इज बेस और बी सी इज परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर. हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर ये होता है हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस में बेस अपॉन में परपेंडिकुलर ये होता है हमारे पास कोट स्क्वायर ए. तो ये हमारे पास कोसिकेंट और कोट की आइडेंटिटी आएगी. यहाँ से हम फिर अदर आइडेंटिटी फाइंड आउट करेंगे. एक आइडेंटिटी आएगी हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर ए, वन को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कोट स्क्वायर ए. तो सेकंड आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी से सेकंड आइडेंटिटी आएगी जहाँ भी आपके पास कोट स्क्वायर ए है उसको कोसिकेंट के फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम वैल्यू पुट करेंगे कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस वन. थर्ड आइडेंटिटी निकालेंगे फर्स्ट से. कोट स्क्वायर ए को इस साइड शिफ्ट करेंगे ही आएगा हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए इक्वल टू वन. यानी भी जहां भी हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए आएगा वहां हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं वन. ये हमारे पास कोसिकेंट और कोट की आइडेंटिटी होगी.